साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। हर हफ्ते की तरह इस बार भी मेरे साथ एक खास शख्सियत है। उनका ताल्लुक उत्तराखंड से है, कांग्रेस से है और दलित बड़ा चेहरा है और इस वक्त राज्यसभा में है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ प्रदीप टम्टा जी का। प्रदीप जी, आपका स्वागत है पहले। धन्यवाद जी। पहला सवाल प्रदीप जी आपसे कि कई बड़े नाम थे राज्यसभा में आने के लिए कांग्रेस की तरफ से, प्रदीप टम्टा ही क्यों? देख, प्रदीप टम्टा तो एक साधारण सा कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है जी। और मैंने सोचा भी नहीं था कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान दे देगी, लेकिन मैं पार्टी का आभारी हूँ। मैं कांग्रेस के विभिन्न आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ जी। उत्तराखंड के बहुत सामाजिक सरोकार के जो मुद्दे हैं, वहाँ के वन चिपकू आंदोलन जो आज दुनिया में फॉरेस्ट मूवमेंट के रूप में मशहूर हुआ जी। आज इस देश की तमाम जो वन संपदा है उसकी सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के जो एहतियाती प्रारंभिक आंदोलन उत्तराखंड से, उसका एक सिपाही रहा हूँ। शराबबंदी आंदोलन का एक सिपाही रहा हूँ जी, बिल्कुल। विधानसभा में भी रहा, लोकसभा में रहा। हो सकता है पार्टी ने इस आधार पर देखा हो कि प्रदीप टम्टा वहाँ के राजनीतिक कांग्रेस के साथ साथ सामाजिक आंदोलन से भी रहा हो, तो इन दोनों के हिसाब से मुझे सरकार ने, आला कमान ने आपकी इन उपलब्धियों को, आपके इन कार्यों को मद्देनजर रखा या हरीश रावत की नज़दीकियाँ काम कर गई जो आप राज्यसभा पहुँच गए? नहीं, मुख्यमंत्री का तो बेसिकली आशीर्वाद रहा ही रहा है। मैं तो एक सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ एक साधारण सा कार्यकर्ता था, वही मुझे कांग्रेस में लाए। उनकी वजह से मैं उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा में चुना गया, लोकसभा में गया, उनका तो आशीर्वाद रहा ही। लेकिन ये भी है कि हमारे राष्ट्रीय लीडर मान सोनिया जी ने भी, राहुल जी ने भी उत्तराखंड के राजनीतिक हालात पर, सामाजिक आंदोलन से कार्यकर्ता के हालात पर जो मेरी पृष्ठभूमि है, हो सकता उसको भी एक रखा हो कि राजनीति के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के साथ साथ समाज के जो कमजोर वर्ग है, दलित वर्ग है, उनकी आवाज़ों को मैंने विभिन्न समय में राजनीतिक नेतृत्व में जब रहा, वहाँ भी जब मैं राजनीतिक दलों में नहीं था, सामाजिक सरोकारों में भी ये विभिन्न मुद्दों को उठाया। उत्तराखंड राज्य के जो सवाल हैं, हिमालय के जो सवाल हैं, उनको भी मैंने रखा। तो हो सकता है ये जो मेरे सामाजिक भूमिका में जो विभिन्न मल्टीफेरस मेरी एक्टिविटीज थी, उसके आधार पर पार्टी ने सोचा हो कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को। आप तो राज्यसभा में आ गए, लेकिन आपके आने से कई लोगों को बेचैनी भी हुई, परेशानी भी हुई, आवाज़ें भी उठी। खास करके मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं, किशोर उपाध्याय या आर जी की बात करूं, तो उनकी नाराज़गी। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहता मैं ही सबसे उपयुक्त पार्टी का चेहरा। आर यशपाल जी बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के अंदर, दलित चेहरे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, हमारे पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। किशोर जी की भी अपनी इच्छा होती है, हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है। अल्टीमेटली पार्टी का निर्णय होता है, और पार्टी ने जब मेरे नाम की घोषणा की भी थी, उस समय भी मैंने अपने राजेश सोनिया जी को कहा भी था जी। अगर मेरे नाम की वजह से पार्टी में कहीं कोई विवाद हो तो पुनर्विचार भी करेंगे, तो मैं तो इतना बड़ा सम्मान ले चुका हूं, तो मेरे लिए अगर पार्टी का हाईकमान का आशीर्वाद रहेगा, सोनिया जी, राजीव जी का आशीर्वाद रहेगा, तो मुझे कभी भी आला कमान का और हरीश रावत जी का आशीर्वाद तो आपको मिल गया, लेकिन क्या किशोर उपाध्याय से और यशपाल आर्य जी के साथ जो मनमुटाव या मतभेद था वो भी खत्म हो गया? नहीं, कहीं किसी से मेरा मनमुटाव नहीं रहा है। और किशोर उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मैं समझता हूँ उनका भी कोई ऐसा विरोध, अंतर विरोध नहीं है। हो सकता है क्योंकि पार्टी में जब शुरू में नाम चले थे, उनका भी नाम था वो है, और मेरा भी नाम था, और पार्टी को किसी एक में से ही किसी एक को चुनना था। यशपाल आर्य हमारे सीनियर लीडर हैं। चलिए, अजय टम्टा को भी केंद्र में लेके आए बीजेपी, तो क्या ये माना जाए कि एक दलित कार्ड खेलने का एक चरण शुरू हो गया है, या बीजेपी वाकई दलितों को लेके संजीदा है? नहीं, अगर बीजेपी दलितों के लेके
संजीदा होती तो बीजेपी के सामने बहुत बड़े इश्यू फैले थे। यूपीए सरकार ने दलितों के संदर्भ में जो बहुत बड़ा मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था कि दलितों को प्रमोशन के मामले में, पदोन्नति के मामले में आरक्षण दिया जाना चाहिए, और उस समय यूपीए सरकार में बीजेपी ने भी सहयोग दिया था और हमने राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया था। लेकिन लोकसभा में आते आते बीजेपी पीछे हो गई, और बीजेपी जब पीछे होगी तो अमेंडमेंट आगे नहीं बढ़ा। उस सवाल को मोदी सरकार को, अगर देश को दलितों के प्रश्नों को एड्रेस करना चाहते थे, एड्रेस कर सकते। एक दूसरा, अगर वो उत्तराखंड के दलितों में अंदर कोई अपनी पैठ बनाना चाह रहे थे तो जब मौका उनको मिला था, जब उनको मौका मिला था, पहला 5 कैबिनेट आपको सांसद मिले थे, उस समय अगर आपने अजय को कैबिनेट में स्थान दे दिया गया होता है तो एक मैसेज जाता है कि हाँ, दलित वर्ग से बीजेपी ने उनको प्रतिनिधित्व। कुछ चीजें बाद में समझ में आती है, शायद बीजेपी को अब समझ में आ गई, और बीजेपी पूरे देश में ये संदेश देना चाहती है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हो या अमित शाह जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके द्वारा हो, एक दलित प्रेम जो है उमड़ रहा है। नहीं, वो तो रिएक्शन स्वरूप है, देखिए उनको लगा कि कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। उत्तराखंड बनने के बाद सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व हुआ था, हर जाति के वर्गों को प्रतिनिधित्व उत्तराखंड में राज्यसभा में मिल चुका था, पहाड़ के लोगों को मिल चुका था, मैदान के लोगों से मिल चुका था, राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग हैं, चाहे हमारे कांग्रेस से रहे हों या भाजपा के, उन सबको भी उत्तराखंड से राज्य प्रेस जाने का सम्मान मिल चुका था। लेकिन पहली बार कांग्रेस ने बिना आरक्षण के हैं पहली सांसद में दलित को इस देश की पार्लियामेंट में, उत्तर प्रदेश में रहते उत्तराखंड को स्थान मिला था, और उसके बाद 60 सालों के बाद या 70 साल की आज़ादी के बाद या कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद ये दूसरा मौका है कि दलित वर्ग का एक व्यक्ति राज्यसभा में गया था। तो अब लगता है कि बीजेपी ने इस रिएक्शन में ये किया, लेकिन सवाल है अगर रैली में वो दलित वर्ग के लिए देश के दलितों को एड्रेस करना चाहती थी, उसने तो सबसे पहले उनके आइडियोलॉग आरएसएस के प्रमुख ने कह दिया कि संविधान के अंदर आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए, उसको आर्थिक आधार पर होना चाहिए। ये जो अब प्रतिक्रिया हो रही है वो उस भागवत की प्रतिक्रिया को, उस डैमेज कंट्रोल की कहते रिएक्शन है। डैमेज कंट्रोल हो रहा है, लेकिन प्रदीप टम्टा जी पर ये आरोप लगता रहा है कि प्रदीप टम्टा जी जो है वो हरीश रावत के एजेंट हैं। देखिए, मैं हरीश रावत जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरे हैं, और कांग्रेस के उस विचार के मूलक हैं, जब नेहरू जी की विचारधारा कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक भारतवर्ष बनेगा सबके लिए, उस पीढ़ी के वो द्योतक हैं, और वो उस मुझ जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता को, जिसका मैंने विरोध भी उनका अपने सामाजिक जीवन में, जब मैं राजनीतिक छात्र था, सामाजिक था, कांग्रेस से लेकर उनका बहुत बड़ा लगता था कि मुझे नीतियाँ ठीक नहीं हो रही, उसको कांग्रेस के अंदर वो लाए, मेरे जैसे व्यक्ति को लाए, और उसके बाद उन्हें सम्मान दिया, तो उनका तो मैं कृतज्ञ हूँ। लेकिन कभी भी मैंने हरीश राव जी को इसलिए उनके साथ में खड़ा रहा कि वो कांग्रेस के बेसिक मूल्यों को, उत्तराखंड के बेसिक सवालों को हमेशा आगे देते रहे, मान देते रहे, सम्मान देते रहे, तो अगर मैं कांग्रेस के साथ खड़ा या उनके साथ खड़ा रहा तो वहाँ एजेंट जैसी तो कोई बात नहीं रही। जी, एक स्टिंग हुआ, जिस स्टिंग के चलते पूरा का पूरा जो प्रदेश है वो पीछे चला गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, क्या ये माना जाए कि उस स्टिंग के जरिए बीजेपी कांग्रेस की सरकार गिराना चाहती थी और अपना बनाना चाहती थी, या कोई और मकसद भी था? देखिए, मैंने पार्लियामेंट में भी जब डिबेट आई थी उत्तराखंड और अरुणाचल के इशू, मैंने कहा जो सब कुछ जो उत्तराखंड में हुआ वो थिएटर का सेंटर ऑफ कॉन्स्पिरेसी देहरादून नहीं था, उत्तराखंड नहीं था, सब कुछ दिल्ली में था। आपने जिस स्टिंग की भी बात कही है कि उस स्टिंग में क्या है आप देख रहे हैं, वो उन्होंने एक हिस्सा कहते हैं, उस स्टिंग में कहीं मुख्यमंत्री डेस्परेट नहीं है, उसमें तो वो जो स्टिंग करता है वही ऑफर दे रहा है साहब आपकी सरकार को बचा सकता है, वही ऑफर दे रहा है कि साहब आरक्षण को पैसे में कैसे कैसे कमजोर है, कैसे कैसे वो चले थे, वही दे रहा है। उस स्टिंग के पहले पार्टी को नहीं दिखा रहे, जब उस में कहा जा रहा है कि बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री जो मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं किस तरह से वो मुख्यमंत्री, पूरे एक मुख्यमंत्री लड़के मिल करके कैसे उत्तराखंड की सरकार को गिराने की साजिश करते हैं, कैसे हमारे बजट सत्र होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेता देहरादून से दिल्ली तक आ जाते हैं, ये पूरा गेम ही उत्तराखंड की सरकार को अस्थिर करने का
एक साजिश थी। लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर तो कांग्रेस भी थी, संगठन भी और सरकार भी। अगर आपका अपना घर इतना मजबूत होता तो वो नौ लोग बागी नहीं होते। नहीं नहीं, देखिए हमने सवाल है, वो बागी नहीं थे, उनको बागी कहना है, वो तो सडन के हिस्से थे। देखिए अगर उनको सरकार से कोई अगर शिकायत थी, सपोज करते मुख्यमंत्री से कि नीतियों से उनको कोई शिकायत थी, हो सकती है, एक परिवार में कभी कभी होता है, हमारी भी रही है। क्या कभी उन्होंने दिल्ली में आकर के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से, वो 9-10 विधायक थे, क्या इस बात की जानकारी दी? आजकल तो जब भी पता चलता है मीडिया तो सब जगह है, किसी भी प्रदेश के 9-10 विधायक दिल्ली में आते हैं तो वो कहीं छिपे हुए नहीं रहते हैं। मीडिया में खबर आ जाती कांग्रेस में अंदर असंतोष है, बीजेपी के अंदर असंतोष है, जेडीयू के असंतोष है, क्या कभी मीडिया ने उस असंतोष को फ्लैश किया? एक चीज है, 12 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो गया, राज्यपाल का अभिभाषण प्रारंभ हुआ, उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, सरकार जीती तो सरकार ने बहुमत सिद्ध कर दिया। 17-18 से हमारा बजट सत्र हो गया, पहले जिन 4-5 विभागों के बजट पास हो गए उसमें कहीं पर असंतोष नहीं देखा, 18 को पूरा बजट पास हो गया वहां कोई असंतोष नहीं देखा। जो पूरा प्रकरण तो अब सामने आ चुका, आईने की तरह साफ हो गया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वो असंतोष पार्टी के उन 9 बागियों के जाने के बाद खत्म हो गया है, विराम लग गया? मैं सीधे एक भाजपा के एक लीडर ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कल तक आप आरोप लगाते ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ये 2013 की आपदा के सबसे बड़े खलनायक है, आज आपके पास आ गए तो ये कल के खलनायक कैसे पवित्र हो गए? तो उनका कहना था कि गंगा तो बीजेपी तो गंगा है, गंगा में नदी नाले कूड़े सब गिरते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं। तो हमारा ये है कि भाजपा पवित्र हुई या नहीं पवित्र, वो दूषित होने से क्या कहते हैं बचे या नहीं बचे, पवित्र हो गया नहीं। कांग्रेस तो इस तरह के एलिमेंट से जाने से बहुत हो गई, कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। जिन लोगों ने अचानक नहीं था वो बिहेवियर, वो एक सोची समझी प्लानिंग के द्वारा होता है, नहीं तो आप बताएं जो हमेशा दिख रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हो रहे हैं और अचानक वो सरकार के खिलाफ विद्रोह कर लेते हैं तो वो साजिश के हिस्से थे। ऐसे साजिश के करता आज चले गए या कल चले जाते, हमको ऐसे बीज मझधार में चूरा मारते जब हमको संभलने का मौका ही ना मिलता। तो मैं समझता हूँ ऐसे से कांग्रेस बड़े चेहरे कांग्रेस से कम हो गए। 2017 का चुनाव बिल्कुल दहलीज पर है, ऐसे उन बड़े 9 चेहरों की भरपाई कांग्रेस कैसे करेगी? कांग्रेस करी, कांग्रेस एक बहुत पुराना संगठन और कांग्रेस के अंदर इन चेहरों के जाने से तो हमको नए नेतृत्व को विकसित करने के लिए और मौका मिला। हमारे नए चेहरे हैं, जिन लोगों को इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया था वो चेहरे आगे बढ़ेंगे। सवाल तो बीजेपी को तय करना कि वो इन 9 का कैसे इस्तेमाल करते हैं और अपने वो 9 जो पुराने चेहरे हैं उसको कैसे संभालते हैं। घमासान तो हमारे वहाँ नहीं, घमासान बीजेपी में होना है, बीजेपी में टूट होनी इन 9 को ले जाकर। चलिए देखते हैं टूट बीजेपी में होनी है कि कांग्रेस में होनी है, वो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वक्त मेरे लिए है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी कांग्रेस सांसद प्रदीप टम्टा जी से चर्चा जारी रहेगी, कहीं ना जाएं, अभी लौटते हैं ब्रेक के बाद। हजार और महीने के 500, ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई, और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है, ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं भाई, 400 रुपए घर है, हालत बिगड़ी है, गांव से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया, ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रेस क्लब और मेरे साथ है कांग्रेस सांसद
प्रदीप टमटा जी। प्रदीप जी, एक बार फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस का अब संगठन आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा, जबकि बीजेपी ने हल्ला बोल करके एक पर्दाफाश रैली निकाली। क्या कांग्रेस का कुछ पर्दाफाश हुआ, नहीं हुआ, उसकी सेहत पे कुछ असर पड़ा कि नहीं पड़ा? बड़ी बीजेपी के नाम का भी पर्दाफाश जो रैली थी, आज लोग बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, इस रैली में जो पर्दाफाश आप करने चले थे, आखिर पर्दाफाश किसका करना चाहिए? 2013 की सबसे बड़ी आपदा जो उत्तराखंड राज्य ने झेली थी जी। और इन्होंने इतना जी हराम करते थे, उस समय राज्य को जरूरत थी सबके सहयोग की। सवाल कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं था, भीषणतम आपदा से राज्य संकट फैला था। अजय भट्ट तो ये कहते हैं कि इसका बड़ा जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और जनता हमें गले लगा रही है और वो सिर्फ आतुर है और इंतजार कर रही है कि 2017 के चुनावों का बिगुल बजे, सत्ता में वापसी दोबारा कमल ही करेगी और भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। वो बिल्कुल बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, उनको पूछना है, आज जनता अजय भट्ट से भी पूछ रही है। वो हमारी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि माफिया ही माफिया आ गए, आज लोग बीजेपी से पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं उनसे, मेरे बीजेपी अजय मेरे मित्र भी है, उनसे सवाल है, आपने हमारे ऊपर लगाया कि हम शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, हमने क्या गुनाह किया? हमारे मुखिया हरीश रावत ने क्या गुनाह किया? एफएल टू का लाइसेंस कारोबार शराब माफियाओं के हाथों में, निजी हाथों में था, उन हाथों में था जिनके फार्म हाउस में गोलियां चली थी, उन फार्म हाउस में था जिनको आज जेलों में बंद है, विभिन्न आपराधिक धाराओं में इवन मर्डर के आरोप में भी बंद है। हमने तो किसी को राज्य मंत्री का पद देके नवाजा नहीं था, हमने तो किसी को क्या कहते हैं अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष नहीं बना था। हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का गुनाह सिर्फ इतना है कि हमने उन माफियाओं के हाथों से अपने निगम में भूख दिया, निजी हाथों से सरकार की हुआ। क्या कुमाऊं मंडल विकास निगम को दिया, क्या मंडी परिषद को देना, क्या गढ़वाल मंडल निगम को, अपनी संस्थाओं को मजबूत करना क्या कांग्रेस सरकार का अपराध है, क्या मुख्यमंत्री का अपराध है? बीजेपी ने अपने दो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा को बागडोर दे दी है उत्तराखंड की। क्या लगता है कि बीजेपी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और ज़्यादा ताकतवर होकर निकलेगी? सवाल है कि बीजेपी ने अपने दो केंद्रीय मंत्रियों को वहाँ पर जिम्मेदारी दी, हर राजनीतिक दल अपने पार्टी के लिए चुनाव के लिए अपने अच्छे से नेतृत्व को देता है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि भाई इन सब का वेलकम है। लेकिन सवाल है, बीजेपी जो एनडीए की सरकार है, मोदी की सरकार है, धर्म जे भी वहाँ के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, इससे महत्वपूर्ण है, और नंदा साहब तो जानते हैं, वो कुछ हिमाचल से हैं, इससे पर्वतीय राज्यों, क्या क्या कारण था ये दो मंत्रियों से उत्तराखंड की जनता ही नहीं पूरे हिमालयी हिमाचल की जनता भी पूछेगी कि क्या कारण था मिसेस गांधी ने इन हिमालयी राज्यों को एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया था। केंद्रीय सहायता तो देश के हर राज्य को मिलती है, उसमें कभी वो पुरानी सरकारें भी देती हैं, आज भी सरकार है, आपने हमारे स्पेशल कैटेगरी के स्टेट को क्यों समाप्त कर दिया, ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी? पहाड़ बनाम मैदानी हमेशा मुद्दा बना रहा है, कोई पहाड़ पे ना शिक्षक जाना चाहता है, ना डॉक्टर जाना चाहता है, ना रोजगार है, ना उस तरीके से विकास है, जो पहाड़ के नाम पर जीत के आ रहे वो भी पहाड़ में नहीं रुकना चाहते, मैदान में आना चाहते, ये कब खत्म होगा? नहीं, ये बुनियादी सवाल है, पहाड़ के अंदर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, पलायन का सवाल जी एक बड़ा मुद्दा है, सामाजिक क्षेत्र में भी लोग उसमें संस्था बना करके पलायन एक चिंतन में लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने कहा भी है उस संदर्भ में कि हमारे सामने एक बड़ा मुद्दा भी है, लेकिन बड़ा मुद्दा भी है क्या इसको हम कैसे रोक सकते हैं? मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अवसरों को क्रिएट करके, अवसरों को क्रिएट करेंगे पर्वतीय क्षेत्र में, जब हम अवसर क्रिएट करेंगे तब लोग रुकेंगे, और यही कारण है कि पहली बार उत्तराखंड की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ने पर्वतीय खेती को फोकस किया है। खेती के तीन आयाम है, हर जगह चाहे देश में हो या पहाड़ में हो, किसान को उसकी खेती पर उसको लाभकारी बनाना चाहिए। आज पहली बार हो रहा है कि उत्तराखंड की फसलें, मडुआ था, जोंगरा था, जो ट्रेडिशनल है जिनको लोगों ने बोना छोड़ दिया था, आज राज्य में उस चर्चा के विषय बन रही है, आज उसकी ओर किसान का ध्यान किया, ब्यूरोक्रेसी का ध्यान किया, आज उसकी मांग होने लगी है, ये मांग क्रिएट किसी पैदावारों की, ये मुख्यमंत्री ने की। बीजेपी का आरोप है मुख्यमंत्री पे कि वो हमेशा ये कहते हैं ना खाता ना बही, जो हरीश रावत कहे वही सही,
बीजेपी से पूछे कि 2014 में उनका देश मंदारा क्या था, क्या भाजपा की सरकार को बनाने के लिए उन्होंने बात की थी, क्या उन्होंने मोदी सरकार के जो देश में मोदी सरकार की बात करते हैं, सरकारी विजन में मोदी सरकार की बात है, आज भी मोदी सरकार से रहा, उनको भाई रावत सरकार से, हरीश रावत से क्या एलर्जी हो गई है? सवाल यही है, जो तुमने शुरुआत की थी, तुमने कहा था देश में हमारे पास ये चेहरा है, आज कांग्रेस के पास एक चेहरा है, इसलिए वो सारी की सारी यही है कि हमारे पास तो कोई चेहरा नहीं वो है। कह रहे हमारे पास तो लीडर्स की गैलेक्सी है, है? तो वही तो हम कह रहे हैं गैलेक्सी है तो बताओ, पांच सांसद थे आपने क्या कहते, किसी को भी तीन तो मुख्यमंत्री थे, उन गैलेक्सी का भारत सरकार में कहीं उपयोग किया? तो यही सवाल है, हमारे पास एक गैलेक्सी है, एक मधुमक्खी है जिसमें सब लोग आ रहे हैं समा रहे हैं, आपको उसी पर इसलिए उस पर हमला हो रहा है। आप हरीश रावत के चेहरे पर डेंट करना चाहते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि जैसे केंद्र में हमने मोदी को ना, अब हमारे हाथ में तो कोई मोदी है नहीं, हमारे हाथ से तो निकल चाहे कांग्रेस के हाथ में उत्तराखंड में रावत चेहरा है, इसलिए इस चेहरे पर इसलिए वो तरह तरह के आरोप नाना वो कहते ना, लोकतंत्र तो बीजेपी में है, कांग्रेस में तो वन मैन शो है, डिक्टेटरशिप है। लोकतंत्र कहाँ है बीजेपी में? लोकतंत्र कहीं है? आज देख ले, लोग कहते हैं मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, लेकिन मोदी और अमित शाह भी कहाँ है? पूछ लीजिए कि बिना नागपुर के कुछ चलता नहीं। अच्छा। नागपुर से जब फतवा जारी होता है, जिनका विधान, इस देश के विधान पर जिनका विश्वास नहीं है, सरकार तिरंगे की बात कहती है और जो नागपुर का मानस कहता है कि तिरंगा तो इस देश की आत्मा को व्यक्त नहीं करता, वहां तो आज भी भगवा ध्वज है, जिन्होंने जिस तिरंगे की यात्रा को ये लोग करते हैं, इनके मंत्रीगण करते हैं, बड़ी मुश्किल तो 2013 में नागपुर में एक दिन के लिए तिरंगा फहराया गया था। तो लोकतंत्र वहां नहीं है, जो जिनका अपना एक निश्चित एजेंडा है, जिनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, जिसका इस देश की संविधान पर विश्वास नहीं है, आज वो हम पर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस एक व्यक्तिवादी चेहरा। किन उपलब्धियों के साथ कांग्रेस जो है 2017 के चुनाव में उतरेगी? हमारे मुख्यमंत्री ने साफ कहा है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम नेगेटिव मानस पर नहीं जाएंगे, हम पांच सालों में जो पॉजिटिव मानस है, जो हमने जो सकारात्मक है, देश का पहला राज्य है उत्तराखंड जिसने को सोशल वेलफेयर की वो तमाम स्कीमें शुरू की हैं, आज उत्तराखंड का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा, सिटीजन नहीं होगा जो किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ना हो। देश का पहला राज्य है जो उसने किसान पेंशन की योजना को चलाया। हमारा उत्तराखंड ऐसा सक्षम राज्य नहीं है, पंजाब के मुकाबले में नहीं है, महाराष्ट्र के मुकाबले में नहीं है, लेकिन किसान योजना देने वाला पहला राज्य है। पुरोहितों को, समाज के कमजोर वर्ग शिल्पकारों को पेंशन देने वाला ये पहला राज्य है। जो बोने लोग होते थे, जिनकी मांग थी कि हम भी एक अलग तरह की कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, उनको संरक्षण देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, किसान को संरक्षण देने वाला पहला राज्य है। पांच सालों में ये हमारी उपलब्धि है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने अधिकतम नियुक्तियां की प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालयों तक, उसकी कमी को दूर किया, इन सकारात्मक मुद्दों के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी खाट पर चर्चा कर रहे हैं, क्या खाट की वजह से 27 साल पुराने ठाट की वापसी की तैयारी है या खाट दोबारा से खड़ी हो जाएगी? देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा लोगों के, कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस की परंपरा में हमेशा समाज का कमजोर तबका, वर्किंग तबका हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं, नौजवान है, वो ही प्रमुख केंद्र है। पिछले 27 सालों से उत्तर प्रदेश की जो हालत हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में जो इशू है जनता के, जो आर्थिक इशू है, वो गौण हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आर्थिक इशू को अपने राजनीतिक घोषणा का एजेंडा नहीं बनाया। दूसरी ओर जो दूसरे विकल्प निकले हैं, उन्होंने किसी ने जाति के आधार पर, किसी ने कॉम्युनल पॉलिटिक्स के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने की। क्या 27 साल का वनवास खत्म हो जाएगा कांग्रेस का? नहीं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की वापसी एक नए सिरे से होगी, कांग्रेस फिर अपने पुराने वर्ग के बीच में जा रही है।
कांग्रेस जो किसानों को पिछले 20-25 सालों में किसान को भुला दिया गया था उनके बीच में जारी है। जो कृषक मजदूर थे जिनको भुला गया था, जिनको कोई बात नहीं करता, उनके बीच में कांग्रेस जा रही है, राहुल गांधी जी जा रहे हैं। जो कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही थी उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या हम पहनेंगे, क्या हम खाएंगे, किससे संपन्न करेंगे, ये सवाल नहीं है। हमारा देश का जो संविधान है ये ऐसा संविधान है जहाँ जिस बगीचे में हर तरह के फूलों को खिलने का अवसर है उसको लेकर कांग्रेस के बीच में हो। उत्तराखंड के बगीचे का फूल आपने उत्तर प्रदेश भेज दिया राज बब्बर को। अंबिका जी कहती है मुझे भी छुट्टी दे दीजिए, कमलनाथ जी के नाम की चर्चा चल रही है। नहीं देखिए, राज बब्बर जी हमारे बड़े लीडर हैं और ये कांग्रेस पार्टी है, राज की पार्टी है। हम अपने बड़े लीडरों का हमेशा उपयोग करते रहे हैं। तो राज बब्बर जी को आप उत्तर प्रदेश में सीमित मत कीजिए, उनको क्या कहते हैं उत्तराखंड से ही मत जुड़िए। वो देश की सर्वोच्च संस्था में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं और हमेशा हर राष्ट्रीय दल अपनी बड़ी प्रतिभाओं का उपयोग करने के लिए विभिन्न राज्यों से जहाँ से संबंध होता है उनको राज्यसभा में भेजती है। हम अंबिका सोनी जी हमारे लीडर हैं, बहुत पूर्ण लीडर हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके सामने ये परिस्थिति हो कि एक तरफ उत्तराखंड और हिमाचल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों का जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ का दायित्व भी उनके पास है, साथ ही साथ पंजाब जो उनका मूल राज्य है वहाँ भी एक बड़ी चुनाव की जबरदस्त लड़ाई है। तो हो सकता है इन दो के उससे वर्कलोड से उन्होंने कोई बात की हो, लेकिन हमारे लिए तो अंबिका जी हमारी लीडर है और जो भी हमारे बीच में आएगा वो हमारे लीडर। प्रदीप जी, 5 राज्यों में चुनाव है, कांग्रेस का भविष्य कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि लोगों के ने कांग्रेस को भविष्य को लेकर के बहुत सी फोर्सकास्ट लगातार की है। 67 में लोग कह रहे थे गठबंधन बनता, कांग्रेस फिर रिवाइव। 77 में कांग्रेस को फिर लोगों ने कहा था देश के उत्तर भारत से तो पूरा कांग्रेस सफाए होते, लोगों ने कांग्रेस की खात्मे की बात की थी, लेकिन कांग्रेस बार बार आई है। इसलिए बार बार आई है कि कांग्रेस इस देश की मूल आत्मा में, कांग्रेस का संघर्ष इस देश के लोगों का संघर्ष है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल से जाता है, कांग्रेस एक विचार है, गांधी और नेहरू की विरासत है। आज सबसे बड़ा दुख है आज लोग समझने लगे, आज तो केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है उसका हमला है ये गांधी नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत पर है, मौलाना आजाद जी की विरासत पर था, जिनका तिरंगे से कोई कभी कोई संबंध नहीं रहा। आज वो तिरंगों को घुमा करके सोचते हैं हम तिरंगे के उस बलिदान को ले लेंगे और ये देश देख रहा है। इसलिए आज देश आप देखा होगा ना, जब FTI में वहाँ के छात्रों ने संघर्ष किया था, जब इन्होंने गाय के साले बनवाए, देश के वो तमाम साहित्यकारों ने, तमाम वैज्ञानिकों ने जिसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था, एक एक करके विभिन्न पुरुष को लौटाना शुरू किया। उस समय लोगों ने कांग्रेस की ओर देखा था, कांग्रेस के कांग्रेस कमबैक करेगी, डेफिनेट करेगी, क्योंकि कांग्रेस इस देश की आत्मा में है, इस देश की विरासत में, इसलिए कांग्रेस कमबैक करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी मेरे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो ये कांग्रेस सांसद और उत्तराखंड के एक बड़े दलित चेहरे प्रदीप टम्टा जी। फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।